हमेशा साथ रहने वाला साया गायब हो जाता है। और ये सब किसी चमत्कार की वजह से नहीं बल्कि खगोलीय घटना के कारण होता है। और इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में उत्सुक लोग जीवाजी वेधशाला पहुंचते हैं। जीवाजी वेधशाला में मंगलवार 21 जून को होने वाली खगोलीय घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के लिए लोग पहुंचे। दोपहर में एक स्थिति ये आई कि कुछ पल के लिए परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। दरअसल खगोलीय घटना में 21 जून को दिन बड़ा और रात सबसे छोटी रहेंगी। मंगलवार दोपहर 12:28 पर परछाई ने भी साथ छोड़ दिया। ऐसा सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होने से होता है। जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होने पर दोपहर को परछाई कुछ पल के लिए शून्य हो जाती है। वेधशाला में इस खगोलीय घटना को शंकु यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष देखा गया है। सूर्योदय सुबह 5:42 पर और सूर्यास्त शाम 7:16 पर हुआ और इस कारण दिन सबसे बड़ा 13:34 का और रात करीब 10:26 की रही। वहीं 21 जून के बाद सूर्य की गति दक्षिण की ओर होगी। इसे दक्षिणायन का प्रारंभ भी कहते हैं। वहीं सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद दिन धीरे धीरे छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। वहीं 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करते हुए दृष्टिगोचर रहता है। 21 जून को स्थिति है कि सूर्य अपने अधिकतम उत्तरी बिंदु कर्क रेखा पर लंबवत है। आज के दिन सूर्य की स्थिति 23:26 और 14 उत्तरी अक्षांश पर है, जिसके कारण सूर्य चूंकि उज्जैन कर्क रेखा की नज़दीक है तो उज्जैन के एकदम लंबवत है। और हम देखेंगे कि जो शंकु की परछाई आज पूरे दिन कर्क रेखा पर गमन करती हुई दृष्टिगोचर हो रही है।